ये जो बार बार एनओसी कैंसिल होती है और अगली दफा जो है अगर एनओसी कैंसिल भी होगी तो हम करेंगे और हम उसको भरपूर तरीके से कर रहे थे। लेकिन चूंकि इमरान खान हमारा लीडर है और हम इमरान खान के हर हुक्म के पाबंद हैं और हम ये वाज़े पैगाम दे रहे हैं कि हम इमरान खान के हुक्म पे पाबंद हैं और आज इमरान खान ने साबित किया है इस बार फिर कि इमरान खान इस कौम की सोचता है, पाकिस्तान की सोचता है, अपनी आवाम की सोचता है। उसने तसादुम होने के खतरे की वजह से या इंतशार होने की वजह से हमें हुक्म भेजा कि आप आज ना करो और उसी हुकूमत ने जो बार बार अदालतों के हुक्म को नहीं मान रही थी और उन्होंने नोटिफिकेशन करके 8 की इजाज़त दी कि 8 तारीख को जलसा करना है इस्लामाबाद में। हम इमरान खान के हुक्म के पाबंद भी हैं लेकिन ये वादे पैगाम दे रहे हैं कि इमरान खान के हुक्म पे हम आगे बढ़ने को भी तैयार हैं और इमरान खान के हुक्म पे हम एक कदम पीछे हटने को भी तैयार हैं। मुल्क में आइन की पासदारी, कानून पे अमल दरामद हुकूमतों की, इदारों की, अदालतों की जिम्मेदारी है, अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। इमरान खान ने अपना ज़र्ब साबित किया, बार बार साबित किया कि वो अपनी कौम की सोचता है, पाकिस्तान की सोचता है, अपनी नहीं सोचता। एक दो फिर से साबित किया, मैं वादे पैगाम दे रहा हूँ। एक तो इमरान खान ने कहा कि रुक जाओ, हम रुक गए, लेकिन आपको समझ नहीं आ रही इस बात की और आप जो इस मुल्क में एक तो मैंडेट चोरी करके हुकूमत आई हुई है और उसके बाद जो ये फसाइयत और बार बार का जो ये तोड़ रहे हैं इस मुल्क के आइन को, इस मुल्क के कानून को, तो मैं ये पैगाम दे रहा हूँ कि होश के नाखून ले लो। इंशाल्लाह खान की कॉल पे हम तैयार हैं और हमने पहले भी कहा था और हमेशा कहते हैं हम जब ये निकलते हैं तो ये सर पे जो हमारी सफेद चादर होती है कफन समझ के निकलते हैं हम। हमें मजबूर ना करो अपने हक के लिए कि हम उस हद तक जाएं कि आप बर्दाश्त ना कर सको। हमारे लीडर के ज़र्ब की वजह से, सब्र की वजह से, सोच की वजह से आप लोग आज इन एवानों में बैठे हो, वरना आपका वो हाल करते कि आपकी नस्लें याद करती और पाकिस्तान का आइन तोड़ने की कोई जुरा भी ना करता। भाई जान, पहली बात तो ये है कि आप सबको पता है कि ये सारे का सारा सिस्टम किसके खिलाफ लगा हुआ है। सवाल करने की आपको जरूरत ही नहीं है। हर बंदे को पता है कि सिर्फ और सिर्फ तहरीक इंसाफ के खिलाफ ये क्रैकडाउन है, तहरीक इंसाफ के खिलाफ ये जुल्म है, ये जबर है और आज से नहीं है, ये प्लान करके शुरू है हमारे खिलाफ। बाकी जहाँ तक बात है नामूस रिसालत की, हमारा ये ईमान है, खत्म नबूवत हमारा ईमान है, हम उसके ऊपर कभी भी कम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। और हमने हमने आगे बढ़ना है, इमरान खान के लिए भी बढ़ना है, खत्म नबूवत के लिए भी बढ़ना है। हम आशिक रसूल हैं और हम साबित करेंगे कि हम आशिक रसूल भी हैं और हम इमरान खान के भी आशिक हैं और इसलिए हम अपनी आज़ादी की तहरीक इमरान खान के साथ और खत्म नबूवत की तहरीक के लिए भी अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तन मन धन जानी माली हर वक्त तैयार हैं।